नमस्कार दोस्तों दोस्तों महिंद्रा लॉन्च कर चुका है अपनी नई बुलेरो 2020 BS6 मॉडल को। और दोस्तों इस कार का लॉन्चिंग प्राइस है 7.89 लाख रुपीज़। तो दोस्तों इस कार में महिंद्रा ने इंजन के साथ साथ में इंजन के स्पेसिफिकेशन में भी काफ़ी हद तक चेंज किया है। और दोस्तों डिजाइंस में भी इस कार में कुछ चेंज किए गए हैं और फीचर्स भी दोस्तों इस कार में काफ़ी हद तक थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए हैं। तो एक एक करके बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके डिज़ाइन की। तो दोस्तों अगर आप इसके फ्रंट लुक में हेडलैम्प्स को देखेंगे तो इसके हेडलैम्प्स कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिए गए हैं। हालांकि अभी भी दोस्तों आपको इस कार में हेलोजन हेडलैम्प्स ही मिलते हैं, लेकिन इन हेडलैम्प्स का डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। दोस्तों दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस कार की ग्रिल्स में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। जो क्रोमवर्क पहले ऊपर की तरफ आया करता था वही क्रोमवर्क अब नीचे की तरफ आता है। तो कुछ मेजर चेंज नहीं है, ये काफ़ी हल्का फुल्का चेंज कर दिया गया है इसके ग्रिल्स में भी। अब बात करते हैं दोस्तों फोग लैंप्स की, तो आप देख सकते हैं फोग लैंप्स भी दोस्तों एकदम से नए पैटर्न के बना दिए गए हैं। काफ़ी चेंज किया गया है इसके फ्रंट लुक में दोस्तों। तो दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल को मैक्सिमम चेंज कर दिया गया है इस बार महिंद्रा बोलेरो BS6 में। अब बात करते हैं दोस्तों साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में दोस्तों महिंद्रा ने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है, पहले की तरह ही सब कुछ है। बस दोस्तों इस कार में आपको पहले से अलग तरीके के स्टिकर्स मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें व्हील बेस की, डोर की या डोर हैंडल्स या ORVM की, तो वे पहले की तरह एज इट इज़ हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रियल प्रोफाइल की, तो इस गाड़ी के रियल प्रोफाइल में भी दोस्तों कुछ चेंज नहीं किया गया है ज़्यादा। बस टेल लैम्प्स के पैटर्न को रीडिज़ाइन कर दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है इस गाड़ी में। अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी दोस्तों पहले की तरह ही है ये गाड़ी, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। बस दोस्तों इस गाड़ी में आपको न्यू स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये पसंद आए कुछ लोगों को ना आए। इसके अलावा दोस्तों आपको इस गाड़ी में जो सीट्स मिल जाएंगी वो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाएंगी। अब फुल स्टॉपी की सीट्स हैं, उसी हिसाब से इसके स्टीयरिंग व्हील को रिडिज़ाइन किया गया है। महिंद्रा क्लेम करती है दोस्तों कि इस गाड़ी की सीट्स को पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंजन की, तो इस गाड़ी में दोस्तों आपको 1.5 लीटर का BS6 डीजल पावर्ड इंजन मिल जाएगा। ये इंजन दोस्तों 74.96 BHP की पावर प्रोवाइड करेगा, उसके साथ में 210 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करेगा। जो पुरानी बुलेरो थी दोस्तों BS4, वो 70 BHP की पावर प्रोवाइड करा करती थी और 195 Nm का टॉर्क दिया करती थी। तो दोस्तों इस गाड़ी में आपको पहले से ज़्यादा टॉर्क और पहले से थोड़ी सी ज़्यादा पावर मिल जाएगी। माइलेज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो माइलेज का भी महिंद्रा की तरफ से ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है दोस्तों माइलेज इस गाड़ी का पहले से थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पहले दोस्तों 16.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको मिल जाया करता था महिंद्रा की बुलेरो में, वहीं अभी क्लेम किया जा रहा है कि लगभग 17-18 KMPL का आपके एवरेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स की, तो फीचर्स में दोस्तों इस गाड़ी में आपको स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ में दोस्तों आपको न्यू फ्लिप की भी मिल जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जैसे आपको बाकी की गाड़ियों में मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि सीट के पैटर्न को भी इस गाड़ी में इस बार चेंज कर दिया गया है ताकि ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। अब बात करते हैं सेफ्टी की दोस्तों, तो सेफ्टी में महिंद्रा से एक्सपेक्टेड था कि इस बार बुलेरो में आपको डबल एयरबैग्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार आपको सिंगल ड्राइवर एयरबैग ही मिलेगा बुलेरो में। इसके अलावा दोस्तों आपको ABS मिल जाएगा इस गाड़ी में, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है सेफ्टी के नज़रिए से इस गाड़ी में। अगर हम कलर्स की बात करें दोस्तों, तो पहले ये गाड़ी आपको 4 कलर्स में मिल जाया करती थी, सिल्वर, बेज, ब्राउन एंड डायमंड वाइट कलर में। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी को अब 3 कलर में लॉन्च किया गया है, सिल्वर, वाइट और ब्राउन। इन 3 ही कलर में दोस्तों आप लोगों को ये गाड़ी अवेलेबल हो पाएगी इस बारे में। अगर बात करें वेरिएंट की दोस्तों, तो पहले ये गाड़ी 4 वेरिएंट में अवेलेबल हुआ करती थी, LX, SLE, SLX और टॉप मॉडल ZLX। लेकिन दोस्तों अब ये गाड़ी 3 वेरिएंट में ही मिला करेगी, जो कि बेस वेरिएंट होगा दोस्तों B4, मिडल वेरिएंट होगा B6 और टॉप वेरिएंट होगा दोस्तों B6 ऑप्शनल। अब अगर दोस्तों हम बात करें प्राइस की, तो पहले से इस गाड़ी का प्राइस 35 से 40 हज़ार रुपये ज़्यादा कर दिया गया है। जहाँ पहले महिंद्रा बुलेरो 7.6 लाख से स्टार्ट होकर 8.99 लाख तक मिला करती थी, वहीं आज 7.98 लाख से लेकर लगभग उसी सेम प्राइस तक इसका टॉप मॉडल मिलता है 9 लाख रुपीज़ का। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी हो दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल पाए और मैं इस तरीके की वीडियो आगे बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गोल्डन टॉक्स।